शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बदायूं शमसी जामा मस्जिद विवाद मामला। बदायूं जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। जी हां, शमसी जामा मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया। बदायूं कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया और हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में ये कहा है कि वहां शाही मस्जिद नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। 10 दिसंबर की अगली तारीख भी आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कुल मिलाकर अभी संभल मामला थमा नहीं था। अजमेर में अजमेर की दरगाह शरीफ का मामला वो भी अभी गरमाया हुआ था। इस बीच ये एक और बदायूं शमसी जामा मस्जिद का विवादित मामला सामने। इतनी एब्सर्ड बात तो शायद कोई कहीं कह सकता है, नहीं कह सकता। यानी आपने आज अपनी तरफ से पक्ष रखते हुए सारी बातों का खंडन किया और अब आगे की तारीख है 10-12 दिसंबर 10 दिसंबर 10-12 वही 10 देव मंदिर को लेके सुनवाई पूरी हुई है। सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है। बदायूं शमसी जामा मस्जिद में मंदिर होने का जो दावा किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से, तमाम सबूतों के साथ, जो साक्ष्यों के साथ जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया। अब निगाहें अगली सुनवाई पर, क्योंकि सुनवाई में ये फिर क्लियर होगा कि अब आगे का रास्ता क्या अख्तियार किया जाता है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार तो कर लिया गया है, अब दलीलें रखी जाएंगी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से, अपने अपने साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ अपनी अपनी बात को प्रूफ करने का प्रयास किया जाएगा। मस्जिद नहीं नीलकंठ महादेव मंदिर है यहां पर, हिंदू पक्ष ने यह दावा ठोका। मुकदमा जो है जो दायर किया ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अम्दो अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक ही नहीं है ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुग़ल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुग़ल आक्रांता। तो ये साढ़े आठ और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज जो निकल कर सामने आई, शासित के अंतर्गत आती है, एएसआई के अंतर्गत आती है, नहीं ऐसे में इस पक्ष को ऐसा है, मैं शनि उनके बारे में कहते आज आपने। इसके अलावा और क्या कुछ बात रखी, अगली तारीख कब? अगली तारीख 10-12 है, उसके बाद जो 10-12 सितंबर तक, नहीं 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर पे बाकी आर्गुमेंट होगा, कंटिन्यू रहेगा, तो जो बात होगी आपको बता दी जाएगी। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आज जो दूसरे पक्ष के वकील है रौनक रेंटर, उन्होंने ये भी कहा जो गैजेट है उत्तर प्रदेश का उसमें इस मस्जिद का जिक्र है। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो उनका जब उनका मौका आएगा तो बहस करेंगे, अभी कोई बात नहीं। उन्होंने भी कहा कि महिलाओं की एंट्री पे रोक लगाने बात होती है, इस मस्जिद में ही रजिया सुल्तान का जन्म हुआ, इस बात के तथ्य हैं। देखिए ये गलत है, देखिए ये पूरा किला था अल्तमिश का, अगर किले में कहीं उनका मकान होगा वहाँ पर जन्म होगा, मस्जिद में किसी के जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर पूरे किले को मस्जिद कहते हैं तो अलग बात है, किले में राजा है उसके बच्चे का जन्म जो है मस्जिद में होगा, उसका तो महल होगा, मकान होगा, उसमें होगा जन्म। इतनी एब्सर्ड बात तो शायद कोई कहीं कह सकता है, नहीं कह सकता। यानी आपने आज अपनी तरफ से पक्ष रखते हुए सारी बातों का खंडन किया और अब आगे की तारीख है 10-12 10 दिसंबर 10-12 वही 10 देव मंदिर को लेके सुनवाई पूरी हुई है। और इसमें राजा लखनपाल का जिक्र है, लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है और बदायूं वाज वन ऑफ फर्स्ट प्लेस इन रोहिलखंड टू कम अंडर द डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब यह है मुस्लिम आक्रांता। यहाँ कहीं शासक शब्द यूज नहीं किया गया है कि कोई शासक आया, बल्कि हमने इसमें बदायूं जो गजेटियर है इसमें मुस्लिम आक्रांता वर्ड यूज किया गया है। और इसी में नीचे अगले पेज पर है, अजयपाल बिल्ट और रिकंस्ट्रक्टेड द फोर्टीज एंड द टेम्पल ऑफ द नीलकंठ महादेव। He was succeeded as already stated by Dharmpal, the last Raja of Badayu, but he is said to have founded a college known as the Mujji Madrasa. His tragedy stood behind the old temple. वहाँ एक मदरसा है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो भी इस बात, वो उसका भी जिक्र इसमें है कि मदरसा उस वक्त चल रहा था और मंदिर उसके सामने था। इसके अलावा महिपाल
के द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टी को बताया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश कुमार लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अवनीश, नई मस्जिद नया विवाद, कहां तक फैलेगी ये मजहबी आग, क्या ये पूरा मामला, हिंदू पक्ष ने क्या दावा किया, बताए जरा। जी बिल्कुल, देखिए मामला ये 2022 से चल रहा है। 8 अगस्त 2022 को जो है अखिल भारत हिंदू महासभा के संयोजक मुकेश पटेल की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी कि जो बदायूं में जामा मस्जिद है वह नीलकंठ महादेव मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया था। उन्होंने अपना दावा किया कि अब वहां पे पूजा करने की अनुमति दी जाए और उसको याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद लगातार उस पर बहस जो है वो चल रही थी और आज भी बहस की तारीख थी। आज दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा है और कोर्ट की तरफ से अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है, यानी 10 दिसंबर को फिर से इस पर सुनवाई होगी और कोर्ट भी इसमें कुछ न कुछ टिप्पणी कर सकता है। तो साफ है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो संभल के बाद अब बदायूं पर सबकी नजरें हो गई कि वहां की जामा मस्जिद जो है वह उसमें दावा किसका सच है, हिंदू पक्ष का या मुस्लिम पक्ष का, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी यह दावा कर रहा है कि 850 साल पुरानी तौर पर करना होगा इंतजार। लेकिन जरा ये स्पष्ट करें अवनीश, कहा जा रहा था कि क्या ये मामला सुनवाई लायक है या नहीं, आज ये क्लियर होगा। तो आज सुनवाई शुरू होते ही क्या हुआ या फिर सीधा अगली तारीख दे दी गई? देखिए दोनों पक्ष से सुनवाई हुई है और साफ है कि इस सुनवाई में ये कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि वहाँ पर मूर्तियाँ, पुराने खंभे और सुरंग मौजूद हैं, वहाँ पे एक शिवलिंग भी था, उस शिवलिंग को उस समय मुसलमानों ने फेंक दिया था जिसको दो संतों ने लिया और बगल में स्थापित कर दिया। तो जो जामा मस्जिद है उसके बगल में शिव मंदिर भी है, वहाँ भी आज भी पूजा पाठ होती है और यही दावा रखा गया हिंदू पक्ष की तरफ से। और इसमें और भी जो तथ्य हैं उन तथ्यों को रखा गया। साफ है अगर मुसलमानों की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह 850 साल पुराना मस्जिद है, कोई नया नहीं है और इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे अपनी तरफ से जो साक्ष्य है उसको पेश करने का काम किया। तो दोनों पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे हैं। अब इसमें जो है जो सर्वे का अगर आदेश आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क, अपने अपने साक्ष्य रख दिए गए, अब क्या वाद विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट अगली सुनवाई के दौरान होगा? जी बिल्कुल, देखिए 10 दिसंबर को जो अगली तारीख दी गई है उसमें भी दोनों पक्ष अपना पक्ष रखेंगे और इसके साथ अब जो है सबकी नजरें ये होंगी कि कोर्ट इसमें क्या कुछ टिप्पणी करता है, क्योंकि संभल के मामले में देखने को मिला था कि उसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी, वहां पे सर्वे का आदेश दे दिया गया था, तो बदायूं में जो जामा मस्जिद है वहां किस तरीके का आदेश दिया जाता है। तो अब सभी साक्षियों को कोर्ट देखेगी, उसके बाद ही उस पर वो टिप्पणी करेगी और आगे का फैसला देगी। और यही वजह है कि हर बार सुनवाई के बाद एक नई तारीख दी जाती है और जब सुनवाई हुई तो नई तारीख 10 दिसंबर दे दी गई है। 10 दिसंबर को दोनों लोग मौजूद होंगे, लेकिन फिलहाल शासन और प्रशासन की तरफ से उस पर पूरी निगाह है कि संभल जैसे हालात न हो और यही वजह है कि सुनवाई के बाद बदायूं पर निगाहें जरूर टिकी हुई है। साथ ही निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भी टिकी हुई है जिसमें संभल मामले में किसी तरह की न सुनवाई करने की बात भी लोअर कोर्ट्स को कह दी गई थी। ऐसे में क्या लगता है, संभल जैसी परिस्थितियां अगर बदायूं में भी उत्पन्न होती है तो क्या एहतियातन के तौर पर पहले ही कोई आदेश दे दिया जाएगा कि देखिए ऐसा कोई भी मामला फिलहाल नहीं उठाया जाना चाहिए, मामला चाहे संभल का हो, मामला चाहे बदायूं का हो, मामला चाहे अजमेर का हो, इस तरह के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। क्या लग रहा है इस बाबत, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शिल्पा, साफ है कि जब भी कोई याचिका दाखिल की जाती है तो इस याचिका का अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो उस पर दोनों पक्ष बहस करती है। जब दोनों पक्ष अपना तर्क रखती हैं तो उसके बाद कोर्ट जो है उसको स्टडी करती है, उसको स्टडी किए बिना जो है वह आगे कदम नहीं बढ़ाती। अब चूंकि संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया कि निचली अदालत इसमें न कूदे, वह सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो साफ है कि इस तरीके का जो मामला है वह बदायूं के कोर्ट भी देख सकती है और अब सबकी निगाहें होंगी जज पे कि जो आगे की फैसले हैं वो क्या कुछ लेती है। वो सीधे इनको कहती है कि आप उच्च अदालत जाइए, वहां पे अपना तर्क रखिए, या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको देखती है, सुप्रीम कोर्ट के जो बयान है उसको देखती है। यही वजह है कि 10 दिसंबर को जब तारीख दी गई है तो 10 दिसंबर को जब दोनों पक्ष वहां पर मौजूद होगा तब कोर्ट आगे की टिप्पणी करेगा। 10 दिसंबर को क्या कोर्ट की तरफ से कहा जाता है उसके बाद ही बदायूं मामले का अगला रुख पता लग पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश कुमार इस पूरी बातचीत के लिए।